शुरू करने से पहले फॉर्मेट जानना गेम का बहुत जरूरी है, तो गौर से सुनिए। टोटल राउंड्स है 9, 1 से लेकर 9 तक। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त तक है। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी, अगर आप तमाम दुरुस्त जवाब देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज जीतेंगे। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाब की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज जमा कर देगी। लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले आएगा। लेकिन अगर आप सवाल पूछने से पहले ही बटन यानी बजर दबाए और बैंक कह दें तो फिर आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की भी रकम ही आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज्यादा सही जवाब की चेन और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जितवा सकता है बड़ा प्राइज मनी। तो शुरू करते हैं, आखिरी खिलाड़ी कौन, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes. पहला राउंड होगा 3 मिनट का। आप लोगों से बारी बारी सवालात किए जाएंगे। मनी ट्रेल आपको बताती चलूं ताकि आपको पता चले हर सवाल का वैल्यू क्या है, हर सवाल कितने रुपए का है। पहला सवाल 1000 रुपए के लिए, दूसरा 2500, तीसरा 5000, चौथा 7500, पांचवा 10000, छठा सवाल 15000 रुपए, सातवा सवाल 25000 और आठवा 50000 रुपए। 50000 रुपए टॉप प्राइस, 3 मिनट का वक्त। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जवाब दें, कोशिश करें पास ना कहें, कोशिश करें गलत जवाब ना दें, क्योंकि जब जब गलत जवाब देंगे पैसे हो जाएंगे 0 और नई चेन से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी शक्लें हैं। आप 10 कंटेस्टेंट शुरू करेंगे गेम, लेकिन आखिर में 10 नहीं रहेंगे, कोई 2 रह जाएंगे और उनका आपस में होगा मुकाबला। लेकिन उस वक्त तक के लिए आप सबको एज ए टीम खेलना पड़ेगा। सिर्फ इसी तरह आप ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। ऑल राइट जी, अल्फाबेटिकली चलते हैं। आमना मेरे साथ ए से यहाँ मौजूद है। आमना, आपसे शुरू करेंगे। टॉप प्राइस है 50000 का और वक्त है 3 मिनट। आपका वक्त शुरू होता है अब। जिस तरह 100 में 2 जीरोस होते हैं, 1000 में 3, 1 मिलियन में 6 होते हैं, 1 डिसिलियन में कितने जीरोस होते हैं? थर्टी थ्री। करेक्ट शिराज। रिसर्च के मुताबिक लड़कियों का दिमाग आम तौर पर लड़कों से जल्दी मैच्योर हो जाता है, कितना पहले मैच्योर हो जाता है? 2 ईयर्स। करेक्ट। हारिस, वो कौन सा जानवर है जो अपनी जबान बाहर नहीं निकाल सकता? क्रोकोडाइल। करेक्ट। सादिया, ऑस्ट्रेलिया मून से ज्यादा चौड़ा है, चांद का कतर यानी डायमीटर 2400 किलोमीटर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का कतर डायमीटर मशरिक से मगरिब तक कितना है? 4000 किलोमीटर। करेक्ट। सफी, बॉडी का वो कौन सा हिस्सा है जो खुद को ठीक नहीं कर सकता, वो जिंदा टिश्यू नहीं होता है? दांत। करेक्ट। बिग बैन जो लंदन की एक वॉच टावर है, ये घड़ी रात 10:07 27 मई 2005 को चलते चलते रुक गई थी, उस दिन के गर्म दर्ज हरारत की वजह से वो दर्ज हरारत क्या था? पास। 31.8 डिग्रीज। काशान, वॉल्ट डिज्नी अमेरिकन मल्टीनेशनल मास मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी है। डिज्नी अपने करियर के दौरान 59 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है, आपने ये बताना है कि डिज्नी ने कितने ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं? पास। 26 ऑस्कर्स। रुबीना, रोशनी तवानाई से बनी है, ये हमेशा सीधी सिमत में सफर करती है, ये बता सकती है कि रोशनी एक सेकंड में कितने किलोमीटर का फासला तय करती है? 29972 किलोमीटर्स पर सेकेंड। फिदा, दुनिया का सबसे कदीम मुसलसल चलने वाला सिनेमा वॉशिंगटन आयोवा स्टेट थिएटर यूएसए में वाक़ है, क्या आप बता सकते हैं ये कौन से सन में ओपन हुआ था? 14 मई 1897। करेक्ट। वकार, ओवरऑल रैंकिंग ऑफ बेस्ट कंट्री के मेजरमेंट ग्लोबल परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए 2022 में दुनिया का बेहतरीन मुल्क किसे करार दिया गया? स्विट्जरलैंड। करेक्ट। आमना, हिप हॉप म्यूजिक रैप सॉन्ग सिंगिंग का एक मुनफरिद स्टाइल है, ये रैप इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, आप बता सकती हैं कि हिप हॉप म्यूजिक कब स्टार्ट हुआ? आई गेस 1946। गलत जवाब 1970। शिराज, ऑडियो सुनकर सिंगर को पहचानिए। तो वो मेरे साथ साथ जहां मैं गया वहां दास्तान। अताउल्लाह। करेक्ट। हारिस, व्हाट डज बॉटमस स्टैंड फॉर? पास। Brackets of multiplication, addition and subtraction. Sadia, पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है?
मंडी बहाउद्दीन. करेक्ट. सफी, वो कौन सा ड्रेस है जिसे हम पहन नहीं सकते? एड्रेस. करेक्ट. महविश, आपकी पुतली उस वक्त, उस आग की पुतली उस वक्त कितने फीसद बढ़ जाती है जब कोई इंसान उस शख्स को देखता है जिसे वो पसंद करता है? यहाँ आपका वक्त होता है खत्म, 3 मिनट का. 45% इसका जवाब है. ऑलराइट जनाब, अब मुझे उस वक्त का इंतजार है जब आप सब मुझ तक वो एक नाम पहुंचाएंगे जिसने आज इस राउंड में, यानी राउंड वन में, बेहतर परफॉर्म नहीं किया, या फिर अच्छा नहीं खेला, या फिर आपको लगता है कि राउंड टू में हमारे लिए फायदा मंद नहीं है. आपका वक्त एलिमिनेशन का शुरू होता है. अब वोट कीजिए, मुझ तक वो नाम पहुंचाइए जो जल्दी से इस गेम से, यानी आखिरी खिलाड़ी कौन से हो जाएगा बाहर. वक्त जाया ना कीजिए, मुझ तक वो नाम पहुंचाइए. महविश थोड़ी कंफ्यूज नजर आई, चेन लंबी नहीं चल सकी, बैंक करना बस आमना, सफी और महविश को याद रहा. अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो इस राउंड से हो जाएगा बाहर. जी फिदा, आप स्माइल करते हुए इधर उधर देख रहे हैं, क्या हुआ? Should I mention the name? I will ask you. Are you done? Yeah. हाँ जी बताइए. I guess रूबीना को मैंने. जी रूबीना, आपने किसको वोट किया है? आमना को. जी काशान, किसको वोट आउट कर रहे हैं? मैंने रूबीना को वोट किया है. जी महविश, किसको वोट आउट किया है? मैंने आमना को किया है. आमना को? जी, क्योंकि आमना मुझे थोड़ी कंफ्यूज लगी, नर्वस लगी, इस वजह से मैंने आमना को वोट किया है. आमना ने सही जवाब दिए थे? हाँ, मैंने एक सही जवाब दिया था पहले, उसके बाद एक रॉन्ग आया था. आप महविश को क्या कहना चाहती हैं? You have your eyes on her. Yeah. लेकिन मेरे नहीं ख्याल से आपने कोई भी सही जवाब दिया. जी मैंने सही जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने अपनी पेमेंट सेव किया, बैंक किया, क्योंकि इन्होंने राइट जवाब दिया. सही जवाब नहीं दिया. जी मैंने सही जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने अपनी पेमेंट सेव की है. ऑलराइट. जी सैफी. यस मैम, मैं इनको रूबीना को वोट आउट करूंगा. आप भी रूबीना को? जी सादिया. मैं महविश को वोट आउट कर रही हूँ. हारिस. मैं महविश के साथ जाना, महविश को वोट दूंगा. 3 वोट्स महविश के खिलाफ, 4 वोट्स रूबीना के खिलाफ. शिराज. रूबीना. 5 वोट्स रूबीना आपके खिलाफ. वकार. मैम रूबीना. जो नाम मेरी स्क्रीन पे आ रहा है रूबीना, वो नाम भी आप ही का है, यानी कि जो ये इस वक्त कह रहे हैं वो लिख भी वही बात रहे हैं. महविश और रूबीना सबसे ज्यादा नाम, लेकिन रूबीना आपका. तो जब ऐसा होता है कि एक कंटेस्टेंट का नाम बार बार आता है वोटिंग में, तो क्या होता है रूबीना? मायूस हो जाता है. मायूस होने के बाद क्या होता है? आपका इन्होंने नाम लिया है तो क्या होगा आपके साथ? एलिमिनेट हो जाऊंगी. और आप हो जाएंगी एलिमिनेट? पक्का? श्योर? नाम लिया इन सबने तो एलिमिनेट हो जाऊंगी. पहले मायूस होंगी, उसके बाद एलिमिनेट होंगी, ऐसा ही है? That's so cute. She's so cute. रूबीना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन. आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यही लगता. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रूबीना कवल है और मैं हैदराबाद से आई थी शो के अंदर. तो फर्स्ट ही राउंड में मुझे एलिमिनेट कर दिया आमना हारिस ने, क्योंकि मुझे आगे और ज़्यादा खेलना था. माना मेरी गलती थी, तो पर फिर भी मुझे ना आगे लेके चलना था इनको साथ में, ताकि मैं एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.